हाय फ्रेंड्स, मुकेश वाकल ब्लॉग में आपका स्वागत है। और मैं अभी हूँ एक जंगल में, और उस दिन मैंने बताया था कि फर्स्ट व्लॉग के अंदर बताया था कि मैं क्या काम करता हूँ, तो आज मैं बताऊँगा मैं क्या काम करता हूँ। आप मेरे साथ देख सकते हैं, ये KEC में लगे हुए हैं। KEC की फुल फॉर्म है कमानी इंजीनियरिंग कंपनी। ये बहुत ही अच्छी कंपनी है, ये इंटरनेशनल कंपनी है जिसके अंदर मेरी गाड़ी लगी हुई है। और मेरी गाड़ी की कितनी सैलरी है वो भी बताता हूँ। मेरी पिकअप की सैलरी, मंथली सैलरी 23,000 प्लस 10 रुपये किलोमीटर एक्स्ट्रा अलग से है। दोस्तों, हम काम के लिए रवाना हो गए हैं, क्योंकि हमें सुबह बहुत ही जल्दी नहा धो के स्नान करके काम करना पड़ता है। डेलियों का काम सुबह बहुत ही बेस्ट होता है एकदम, जिसमें हमारी टीम है बंगाल के मालदा गांव के सारे आदमी हैं, 40-50 आदमी, तो ये सब रेलवे का काम करते हैं। फिलहाल मुझे आने में बहुत देरी हो गई, क्योंकि बीच में ये गाड़ी पलट गई थी, रास्ते के अंदर जाम लग गया था, जिसमें एक बहुत ही बड़ी घाटी थी, घाटी के कारण हमारे को देरी हो गई। फिर भी हम धीरे धीरे चल के आए। तो ये सभी हमारी टीम काम करने के लिए आई है, अब पूरा दिन काम करेगी। 25,000 केवी की लाइन है इधर, अभी मैं वो भी आपको लाइन भी बताऊंगा। ये काम चल रहा है रेलवे का, जो टीम है वो बंगाल की है, कम से कम 40-50 आदमी हैं, बहुत बड़ी टीम है, सब बंगाली हैं जो यहाँ पर काम करते हैं। तो दोस्तों, फाइनली अभी हमारी टीम इधर गई है काम करने के लिए, और मैं भी जाऊंगा और आपको बताऊंगा कि वो कैसे काम करती है। ये जो भी लाइन का काम चल रहा है वो रेलवे का है, और यहाँ पर अभी मैं चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ। बहुत ही पथरीला रास्ता है, बहुत ही बड़ा जंगल है, यहाँ शेर का बहुत ही बड़ा खतरा रहता है, पता है। रात में बारिश बहुत तेज हुई थी, जिसकी वजह से पानी अभी भी पड़ा है, देख लीजिए आप। वो टीम है लाइन पर चली गई है, और वो अभी काम शुरू करेगी। हमारा काम तभी शुरू होता है जब हमारा लाइन को कट कर दिया जाता है। लाइन कट होने के बाद ही 1-1.5 घंटे का ब्लॉक मिलता है, उस ब्लॉक के अंदर ही हमारा काम होता है। तो आप देख लो ये कैसे बंदे एकदम से अपना सामान रेडी कर रहे हैं, फिर इन सामान को पूरे खंभों के ऊपर लगाएंगे, खंभों के एकदम ऊपर लगाएंगे, जिससे कि काम चलता रहे। Oh,
लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, और मैं ऐसे ही नए डेली डेली व्लॉग बनाता रहूँगा अपने इस चैनल पर, जिसे आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेगी।